रेत उड़ाती हवाओं, ऊंचे पहाड़ों और समंदर की मौजों से बातें करती हुई माहीगीरों की बस्ती मुबारक हर सुबह अपने आप को मछली की तरह जाल में फंसा हुआ महसूस करती है। कहानी पहले मैंने पढ़ा, गांव का एक लड़की होती है जो रोजाना अपने सर पे खाना रख के खेतों पे जाता है, अबू को आना देता है। एक दिन भला इस लड़की के पीछे करेगा। साहेली बस्तियों के माहीगीर सदियों से अपने बच्चों को मछलियों से भरे समंदर, माहीगीरों की शुजाअत, भला ने कहा आशी और सिंध बलोचिस्तान के साहेल की खुशहाली के किस्से सुनाते आए हैं। तुमने हमारा नाम, लेकिन बस्ती मुबारक के बच्चे साबिर अली की पसंदीदा कहानी इस रियासत में एक ऐसी रियासत के बारे में है जहाँ शैतान लोगों ने कब्जा कर लिया। जो एक अच्छा था उसको सबने मारते हैं। उसने कहा एक लड़की होगी जो सब शैतानों को राख कर देगा। वला ने बोला कि तुम किसी को भी ये बात नहीं बताओ, जो बताना चाहते हो एक तूफान आ जाएगा। वला फिर चला गया, कहानी खत्म हो गई। लेकिन समंदर की तबाही की कहानी तो यहां से शुरू होती है। माहीगीर बस नहीं बनना चाहते, ये काम नहीं कर सकते, उनसे नहीं हो सकते। समंदर जो साबिर अली के आबा और जाद की परवरिश करता आया है, इन दिनों मछलियों से खाली है। ठाठे मारता, शोर करता और पानी से भरा हुआ नीलगुं समंदर, एक आम देखने वाले के लिए शायद ये बात समझना बहुत मुश्किल हो कि समंदर भी खाली हो सकता है। लेकिन ये एक भयानक हकीकत है। समंदर और उनसे जुड़ी हुई जिंदगी इन दिनों बहुत सारे खतरात में घिरी हुई है। ममनुआ जाल जो छोटी मछलियों की बर्बादी का सबब बन रहे हैं, गहरे पानियों में मछली का गैर मुल्की फिश ट्रॉलर्स के हाथों बेरहमाना शिकार, क्रीक्स पर समंदरी वडेरों का कब्जा, ये वो खतरात हैं जिनकी वजह से समंदर का पेट जिंदगी से खाली हो रहा है और माहीगीरों की किस्मत टूटी कश्ती के मानंद डोल रही है। ऐसा हमेशा नहीं होता था। कुछ अरसा पहले तक सिंध और बलूचिस्तान के माहीगीरों की आसूदा हाली के किस्से दूर दराज तक मशहूर थे। बस्ती के बड़े जैसे कि मामा हारून माहीगीरों की खुशहाली के किस्से अब भी सुनाते हैं, लेकिन साबिर अली और बस्ती के दूसरे बच्चों को इन किस्सों पर यकीन करने की कोई वजह नजर नहीं आती। यहाँ से ऊँटों के जरिए मछली ले जाते हैं। मैं जब माहीगीरी करता इतना मछली होता था कि हद से ज्यादा, लाठ नहीं था, इंजन नहीं था, सिर्फ छोटे कश्तियां थी। तो कश्तियां ये हमारे सामने चरना जती रहे, यहाँ चले जाते शाम के वक्त 7 बजे जाला फेंका, 9 बजे जाला निकाला, कश्ती फुल, फिर आके रात को यहाँ उतारता था, फिर चले जाता सुबह। उसको हम लोग नमक लगाते कि 2 महीने के अंदर इतना मछली होता था कि हद से ज्यादा, फिर जून जुलाई लगता था, फिर बंद। समंदर तो अभी थमा है, अभी समंदर है ही नहीं कुछ। हम इसीलिए स्कूल के ऊपर जोर दे रहे हैं कि मैं देखता हूँ कि हमारे समंदर को कोई बचाने वाला नहीं अल्लाह के सिवा। पहले वो मछली था इसलिए वो काम करते थे, आज दिन रात करते हैं खाली ऐसे फायदा क्या। साबिर अली जो बजाहिर दुबला पतला आम सा बच्चा नजर आता है, उसकी सोचें समंदर की तरह वसी है। वो मछेरा बनना नहीं चाहता, लेकिन समंदर के पानी में तैरते हुए बस्ती के दूसरे बच्चों के साथ साहिल पर साबिर जब कश्ती का खेल खेलता है तो दूसरे लफ्जों में वो समंदर से अपनी मोहब्बत और ख़ानदानी मछेरा होने की निशानियां छोड़ता है और
समंदर खत्म हो रहा है। समंदर खत्म हो रहे है अभी, वो सारा इलाके में वो वायर वाला चला रहे, सारा हमारा समंदर खत्म हो गया, मछली नहीं है बिल्कुल। अरे कहीं किधर जाए, हमारा रोजगार यही है, समंदर है हमारा, बैंक यही है। ये बड़े मछली के जाल है, लेकिन ये जाल हम लोग को छोड़ते ही नहीं है जाल फेंकने में। अगर हम लोग जाल फेंके भी, वो आते हैं ना बड़े बड़े ट्रॉलर, ये वायर वाले, वायर नेट वाले, ये नुकसान देते हैं बहुत, मारा है बिल्कुल। जख्मी अभी जख्मी पड़ा हुआ है हम लोगों के पास, अभी अभी बैठा हुआ है वो, उसके साथ जा रहे हैं। देखो अजीबा अजीब, ये तो गए मच्छी पकड़ने के लिए, तो बड़े नाम पर अपना जाल नहीं फेंके, हमें नुकसान होगा। लेकिन इस लोगों ने बात नहीं माना, इस लोगों को मारा। जाल फेंकने से मना कर दिया ओड़े वाले ने, उसने हम लोग को मार दिया, हमारा घर सारा इंजन भी फेंक दिया ओड़े का, हमारे पाँव को भी मार दिया, इधर रात को मिला दिया, सारा टांका आ गया। जब से ममनुआ जाल यानी बूलो गुज्जो कतरा या वायर नेट और लांच के बूलो गुज्जो से मछली का शिकार शुरू किया गया है, तब से समंदर की तबाही के दिन भी शुरू हुए हैं। बारीक सोराखों वाले ये जाल और उनके शिकार के तरीके ख्वाह एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, उनका हदफ एक ही है, छोटी मछलियां जो समंदर में ज़िंदगी की भरपूर अलामत के साथ बड़ी मछलियों के खुराक का ज़रिया हैं, बड़ी मछलियां जो माहीगीरों के गुज़र बसर का ज़रिया हैं, फिर ये जाल छोटी मछलियों के साथ उनके अंडों को भी ज़ाया कर देते हैं, जिससे मछलियों की नस्ल कुशी हो रही है। ये बन जाइए किनारे वाला, झींगा भी आता है उसमें, मच्छी भी आती है किनारे में, सभी हम यही जाल इस्तेमाल करते हैं। 5,000 का, 6,000 का, 7,000 का रोज का मिलता है। सिंध बलोचिस्तान के 1,050 किलोमीटर के साहिल पर बसने वाले 15 लाख लोग सदियों से समंदर के साथ अपनी जिंदगी और ख्वाबों